आज हम बात करने वाले हैं खुद को अकेला समझने वाले लोगों के बारे में, जो शांत रहते हैं, जो अक्सर ज़्यादा सोचते हैं और उनको ये लगता है कि मैं तो हमेशा अकेला रह जाता हूँ, मैं तो तनाव में तो किसी से बातें नहीं करता। उन लोगों के लिए वीडियो स्पेशल है। हम इनकी बहुत तारीफ़ें करते हैं। अगर आपने तारीफ़ें नहीं सुनी है तो आपको पिछले पार्ट्स में मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बुराई नहीं करेंगे, मगर आपको थोड़ा सतर्क करेंगे कि किस तरीके से अगर आपको ये काम और ज़्यादा गलत तरीके से करेंगे तो लोग आपको बेच खाने लगेंगे, लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, उल्लू बनाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे। तो उसको सतर्क करने के लिए मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, प्लीज़ इन कामों को करने से बचना है ना। सबसे पहली चीज़ कि आपको खुद को बेचारा नहीं समझना है। हम खुद को बेचारा समझने लग जाते हैं। हमें ये लगता है कि यार मुझे तो कोई अपना समझता ही नहीं, मुझे तो कोई दोस्त बनाता ही नहीं, मैं तो हमेशा अकेला रह जाता हूँ। तो खुद पे ना हमें थोड़ी बेचारगी वाली फीलिंग आने लग जाती है और खुद को कभी बेचारा नहीं समझना चाहिए। एटलीस्ट तुम ये समझो, खुद पे भरोसा रखो कि यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम खुद पे ये समझोगे ना कि मैं तो बेचारा हूँ यार, मेरा क्या होगा, तो तुम कहीं ना कहीं ना विक्टिम प्ले कार्ड खेलना सीख जाओगे, फिर तुम दोष देना सीख जाओगे, फिर तुम भगवान पे दोष दोगे कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, भगवान ने अच्छा नहीं बनाया, बुरा बनाया, भगवान ने ही ऐसा बनाया, मैं बोल ही नहीं पाता, किसी से बात करने का तरीका ही नहीं पता यार, क्या करूं। तुम अपने मम्मी पापा को कोसोगे कि मम्मी पापा ने कभी ऐसा मेरे को रखा ही नहीं कि मैं लोगों से चंड चलाक वाली बातें कर सकूं, मेरे मम्मी पापा ही ऐसे, तो मम्मी पापा अच्छे होते तो मैं भी ऐसा होता, या कुछ भी। तुम लोगों को दोष दोगे कि मेरी गलती तो है नहीं, क्योंकि इंसान अपनी गलती कभी नहीं मानता है। तुम खुद को बेचारा समझ लो, कुछ भी समझ लो, तुम इसलिए करो क्योंकि तुम अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हो। तुम्हारा जो अहंकार है वो तुम्हें बेचारा बना रहा है, वो कभी तुम्हें सीखने नहीं देगा, तुम्हारी गलती नहीं देखने देगा, वो यही बोलेगा कि उसकी गलती है इसलिए मैं बेचारा हूं, उसकी गलती है इसलिए मैं आज ऐसा हूं। ये नहीं बोलोगे कि मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरी गलती है और मुझे सुधारनी चाहिए, जी नहीं, ये इंसान है ना। तो कभी ये बेचारा वाला फीलिंग मत लाओ, बिल्कुल परफेक्ट रहो, तुम जैसे हो वैसे अच्छे ही हो यार, ऑब्वियसली तुम अच्छे हो। ये मत सोचो कि मैं अकेला रह जाता हूं तो मैं क्या करूं, अकेला रहना अच्छी बात होती है, लेकिन खुद को बेचारा समझना क्योंकि तुम अकेले हो ये बुरी बात होती है ना। उसको ना अपना स्ट्रांग पॉइंट बनाओ, वीक पॉइंट नहीं। जैसे कि अगर कोई किसी को कहे कि ये तो बड़ा बोलता है, कितना बकर 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 बोलता रहता है, वो उसकी क्या हुई कमजोरी, लेकिन वो अपनी कमजोरी को ताकत कैसे बना सकता है कि मान लो पब्लिक स्पीकर बन जाए या यूट्यूबर बन जाए या मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, जहां लोगों को मोटिवेट कर रहा है, वहां तो बोलने की जरूरत पड़ती है ना, बक बक बोलना पड़ता है ना। तो उसने अपनी कमजोरी को क्या बना लिया, अपनी ताकत बना ली। और कोई इंसान ऐसा है कि जो कि गाने सुनता रहता है, हमेशा गाने सुनता रहेगा, गानों में बिजी रहेगा, गाने गाता रहेगा, फालतू का लोग परेशान है, भाई कितना गाना गाता पका देता है, वो क्या करता है म्यूजिक कंपोजर बन जाता है, कहीं उस फील्ड में चला जाता है जहां गानों का काम हो। तो जो तुम्हारी कमजोरी है उसको अपनी ताकत बना लो। तुम्हारी कमजोरी है कि तुम अकेले रहते हो, इसको अपनी ताकत बना लो, है ना। अपने अकेलेपन को ये रखो कि यार फालतू लोगों से बात नहीं करनी पड़ती, मेरे पास टाइम बच जाता है, तो तुम्हारे पास टाइम बच रहा है वो तुम्हारी ताकत हो गई, तुम अपने फोकस कर सकते हो अपने गोल पे, तुम्हारी ताकत हो गई, तुम्हारा टाइम फालतू दोस्तों में नहीं होगा, तुम कम धोखा खाओगे, तुम्हारी ताकत हो गई। तो ये चीज़ समझो ना, अपनी कमजोरी पर फोकस मत करो, उसको अपनी ताकत बनाओ और दुनिया को अपने काबू में कर लो। पॉइंट नंबर टू कि कभी भी कंपैरिजन मत किया करो कि उसके पास ऐसी चीज़ है मेरे पास नहीं है। ये पॉइंट वन से ही कहीं ना कहीं रिलेटेबल है कि जब हम अपने आप को बेचारा समझते हैं तो ऐसे ही तो बेचारा समझते नहीं है। अगर दुनिया में हर एक इंसान एक जैसा ही होता तो कोई अपने आप को बेचारा क्यों समझता। हम अपने आप को नीचा इसीलिए समझते हैं ना कि क्योंकि कोई हमसे ऊँचा है, हमने एक इंसान से ऐसा कंपेरिजन ड्रॉ किया है जहाँ पर वो हमसे अच्छा है और हम उससे ख़राब हैं, तो हम अपने आप को बेचारा समझते हैं। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं ना कि वो लड़का या वो लड़की तो यार बहुत अच्छे से बात कर लेता है, मैं तो बात कर ही नहीं पाता, वो तो बड़ा बात तो कर करके सबको फिसला लेता है, सबको अपने बातों में ले लेता, मैं तो बात कर ही नहीं पाता, उससे सभी बातें करते हैं, उसको तो टेंशन मिलती है, सब उसको नोटिस करते हैं। हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करना सही नहीं है। कंपैरिजन इसलिए सही नहीं है क्योंकि सबका एक ऑरा अलग होता है, सबका फ्रेंड सर्कल अलग होता है, सबकी ज़िंदगी अलग होती है। भाई उसने अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार जी है, तुमने अपने अनुसार जी है, तुम कैसे हो कैसे नहीं हो इसको उससे कंपैरिजन करके मत जस्टिफाई करो, है ना, या मत जज करो कि तुम इसलिए ऐसे हो क्योंकि वो तो देखो अच्छा है, मैं इसलिए ऐसा हूँ क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं। ये चीज़ें मत लेकर आओ, एक चीज़ समझो कि जो तुम्हारे पास ताकत है हो सकता है उसके पास ना हो, और जो इंसान तुम्हें लग रहा है ना बड़ा खुश है वो भी कहीं ना कहीं दुखी है, वो भी परेशान है कि उसके पास ये चीज़ें मेरे पास नहीं है। हर एक इंसान अपने आप को बेचारा समझता है, कंपैरिजन करता है, तो कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों से सीख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, कंपैरिजन करो, लोगों से सीखो, लेकिन तुम्हें लगता है इंसान का जो अहंकार होता है वो कभी ऐसा उसको करने देगा? तुम कंपैरिजन कर रहे हो और वो भी सीख रहे हो कि वो मेरे से बड़ा है, चलो एक काम करता हूँ उससे कुछ सीख लेता हूँ, जी नहीं। इंसान मेहनत नहीं करना चाहता ना, सीखने में मेहनत लगती है, और कोसने में कुछ नहीं लगता, कोसने में कुछ भी नहीं लगता, अपने आपको विक्टिम कार्ड बना लो, रो लो अपने ऊपर। तो ये चीज़
मत किया करो या कम कर दो उसको, है ना, बहुत परेशान हो जाओगे, रात में रोना, परेशान होना कि दुनिया ने मेरे साथ ये कर दिया, दुनिया ने मेरे साथ वो कर दिया, फालतू की चीज़ें सोचना भी गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोगों को फालतू को इम्प्रेस करने के चक्कर में मत पड़ो। लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप खुद को बर्बाद कर लोगे। लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप कुछ ऐसी चीज़ें करने लग जाओगे जिससे आपको खुशी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, तुम ये सोचते हो कि यार लोगों से मैं बात नहीं कर पाता, लोगों के साथ जोक्स क्रैक नहीं कर पाता, लोग मेरी बातों पर अटेंशन नहीं देते, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ से जोक्स क्रैक करूँगा, तुम्हें मज़ा आएगा वो फालतू की बातें करने में? नहीं आएगा। तुम ऐसे ऐसे टॉपिक पर बात करोगे जहाँ तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है। तो मज़े आने चाहिए, लाइफ है पूरी मज़े लेने के लिए, है ना। जब तक तुम्हें मज़े नहीं आ रहे हैं तब तक क्या फ़ायदा। मज़े ऐसे लो कि किसी का नुकसान ना हो, तो मज़े लो और खुश रहो। ये मत सोचो कि उसको इम्प्रेस कर लूँगा ये करके या उसको इम्प्रेस, क्योंकि लोग कभी भी इम्प्रेस नहीं हो पाए। तुम किसी को कभी भी खुश नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। कोई भी इंसान कभी भी खुश नहीं हो सकता, वो हमेशा कुछ ना कुछ इधर उधर का कोई ना कोई बहाना लेके अपने आप को विक्टिम बनाने लगेगा ही लगेगा। किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। क्योंकि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि हर एक इंसान को, जो भी तुम्हारे आसपास के दोस्त हैं, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, 100, 200, 300, 500, 1000 जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स में जिनसे तुम्हारी बातें होती हैं, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि सबको खुश रख लो एक ही टाइम पे? कर सकते हो? नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो जिस काम को हम कर ही नहीं सकते उसका ट्राई ही क्यों करना। ये ऐसा कुछ तो है नहीं कि तुम्हें चैलेंज मिल गया, इस काम को तुम कर दोगे, कोई महानता हासिल कर लोगे। नहीं ना, अपने करियर पे ध्यान दो, गोल पे ध्यान दो, उस चीज़ पे करो कि मैं कैसे नहीं कर सकता, इसको करके दिखाऊंगा। फालतू की चीज़ें लोगों को खुश करने की ज़रूरत क्या है? लोगों पे ध्यान दोगे खुद खुश नहीं हो पाओगे, और पहले आपको खुद को खुश रखना पड़ेगा। खुद से सेटिस्फेक्शन लेकर आओगे तो लोगों को ईजिली तुम सेटिस्फाई कर दोगे, क्योंकि लोग भी उनसे बात करना चाहते हैं जो खुश होता है। और इंसान तभी खुश हो सकता है जब वो खुद को अपने आप को काबिल समझता है। तुम अगर खुद खुश रहोगे तो तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं वो भी खुश हो जाएंगे, उसका जो यू नो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे वो भी खुश हो जाएंगे। वो खुश होंगे तो और तुम्हारे पास आएंगे, तो तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल है वो पॉजिटिव बनेगा, अच्छा बनेगा, तुम्हें अटेंशन मिलेगी। पर गोल ये नहीं होना चाहिए कि अटेंशन लेनी है, गोल ये होना चाहिए कि तुम्हें खुश रहना है। अब जैसे मान लो कि अगर मेरा ही मूड अच्छा नहीं है और मैं तुम्हें मोटिवेशन देने आऊँ, तो क्या मोटिवेशन दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें वो चीज़ कैसे बता दूँ जो मैं खुद पे अप्लाई नहीं कर पा रहा, है ना। ये चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं अप्लाई की हैं, मैं भी बहुत सोचता था टेंशन अटेंशन ये सब इंसान करता है, गलतियाँ हर एक इंसान करता है, लेकिन सीखते सिखाते सारी चीज़ें समझते समझाते ये चीज़ें आ जाती हैं। और इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इन चीज़ों को तुम समझ लोगे अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे, और अगर नहीं समझ पाए तो बहुत देर हो जाएगी। या तो तुम खुद सीख जाओ या तो ज़िंदगी सिखा देगी। जब जिंदगी सिखाएगी तो बड़ी चोट लगती है, लेकिन खुद सीख जाओगे आराम से सीख जाओगे। लेकिन इंसान है कहाँ सीखना चाहता है, खुद मेहनत लगती है ना। जब जिंदगी मार मार के सिखाती है तो बड़ा मजा आता है ना। तो समझ जाओ इन चीज़ों को। क्या क्या बताया हमने, रिकैप कर लेते हैं। पहला कि खुद को बेचारा मत समझो, ये मत समझो कि मैं तो ये हूँ, विक्टिम कार्ड मत बनाओ अपने आप को कि मैं तो ऐसा रह जाता हूँ, मैं तो हमेशा ही हो जाता है, मेरी गलती है, ये क्या करूँ यार, मैं तो हमेशा ऐसे रहता हूँ। रोना और नहीं है खुद पे, है ना, इमोशनल कम होना है। दूसरी चीज़ की कंपेरिजन ड्रॉ मत करो कि वो तो मेरे से अच्छा है, उसने उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, उसने ऐसा कर दिया मैं तो कर ही नहीं पाता, वो तो ऐसा कर सकता है मैंने तो कभी किया ही नहीं है, मैं क्या करूँ यार, ये नहीं समझना। और तीसरी चीज़ कि लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी कि मैं ये चीज़ कर देता हूँ लोग इंप्रेस हो जाएंगे, वो चीज़ कर देता हूँ उसको इससे खुशी मिलेगी। नहीं, खुद को खुश रखना है, दुनिया को खुश अपने आप कर लेंगे। तो कर दो यार वीडियो को लाइक, मुझे अच्छा लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल नोटिफिकेशन आते हैं उसको प्लीज़ ऑल पे कर लेना।